प्रतापगढ़ की नगर पंचायत रानीगंज से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाली प्रभावती यादव के भतीजे अजीत यादव और उनके काफिले पर हुआ हमला। गोलियां चलाई गई, तमंचे के बट से अजीत यादव के छोटे भाई का सिर फोड़ दिया गया। गाड़ियों को तोड़ते हुए कई लोगों को घायल कर दिया गया। घटना अजीत यादव के गाँव से वांसी गई बारात में हुई। डॉक्टर अनुराग मिश्रा व आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से सारी बातें बताई गई। उनकी तरफ से आश्वासन मिला, दोषी लोग तत्काल गिरफ्तार होंगे और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। जय हिंद साथियों, दिनेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रतापगढ़। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि प्रतापगढ़ की नगर पंचायत रानीगंज से चुनाव लड़ी प्रभावती देवी यादव जी के भतीजे अजीत यादव जी जो ऊपर जानलेवा हमला कुछ अराजक तत्वों ने किया है, जो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। प्रतापगढ़ में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व और उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ विस्तार देखकर ये छुटभैये नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में कल बारात में गए अजीत यादव और उनके छोटे भाई के ऊपर अराजक तत्वों ने फायरिंग किया और बहुत बुरी तरीके से तमंचे के बट से जो है सर फोड़ दिया और गोली छूते हुए निकल गई।